अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीज़ा कुकिंग व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से खैरियत से हैं। तो अलीज़ा कुकिंग व्लॉग्स में आज हम बनाने जा रहे हैं फ्लावर मंचूरियन की रेसिपी, वो भी ग्रेवी के साथ। तो मेरी ये रेसिपी को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अच्छी लगे रेसिपी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो हमने यहाँ पर 400 ग्राम फ्लावर को लिया था, उसे हमने इसी तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और अच्छी तरह से धो लिया है। और उसे धोने के बाद हमने इसे थोड़े से पानी में बॉईल करके 2 से 3 मिनट तक हमने इसे बॉईल करके 1 टीस्पून नमक डाल के बॉईल करके ले लिया है। आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट हो चुके हैं। हमने यहाँ पर फ्लावर को डीप फ्राई करने के लिए एक बैटर बनाना है। इसके लिए हमने यहाँ पर 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 3 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून हमने चावल का आटा ले लेना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके अंदर हम 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून हम जीजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करके लेंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक अच्छा सा बैटर बना कर लेंगे, अच्छा सा स्मूथ बैटर बनाना है हमें। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम बनाएंगे। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ हो गया है। अब हमने जो फ्लावर बॉयल करके रखा था उसको इसके अंदर डीप करके रख देंगे। आधे से 1 घंटे के लिए हम इसके अंदर ही इसे छोड़ देंगे। जैसे इसके अंदर आधे घंटे के लिए छोड़ने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो इसीलिए हम इसे अभी ढक कर रखने वाले हैं 1/2 घंटे के लिए। तो 1/2 घंटा हमारा हो चुका है। हमने यहाँ पर एक कढ़ाई को रख दिया है गर्म होने के लिए, और उसके अंदर हमने ऑयल भी ऐड कर दिया है। ऑयल के गर्म होते ही हम एक एक इसके अंदर फ्लावर को डालते जाएंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है क्योंकि हमारी गोभी हाफ डन है। तो हमारे मंचूरियन अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो बाकी के जो बचे हुए मंचूरियन हैं वो भी हम इसके अंदर फ्राई करके लेंगे। बहुत ही मज़े की बनती है रेसिपी, आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आती है। अभी भी हाफ डन हो चुके हैं, इन्हें भी हम निकाल लेंगे फुल फ्राई होने के बाद। ये पक चुके हैं, अब हम इन्हें भी निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर सारे मंचूरियन बॉल्स को हमने निकाल लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर सॉस रेडी करना है। इसके लिए हम 1 टेबल स्पून विनेगर, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 3 टेबल स्पून रेड चिली सॉस और 4 टेबल स्पून हम यहाँ पर केचप का यूज़ कर रहे हैं। 1:3:4 का रेशियो रखना है हमें। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करके लेंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर का बैटर बना लिया है, 1 टेबलस्पून के बराबर था। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर प्याज, शिमला मिर्ची, लहसुन और हरी मिर्ची को चॉप करके लिया है। एक प्याज है, एक शिमला मिर्ची है और थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ हैं 10 से 12 और 2 हरी मिर्ची हैं।
अब हमने यहाँ पर एक पैन रख दिया है, इसके अंदर हम 1.5 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म होते ही हम इसके अंदर लहसुन और हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे इसका फ्लेवर ऑयल के अंदर आने तक। तो हमने इसे अच्छी तरह से अब भून लिया है। अब हम इसके अंदर प्याज और शिमला मिर्ची को भी ऐड कर देंगे, इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे हाई फ्लेम पे ही। इसके अंदर हम सॉस ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करके लेंगे। सॉस भी हमारा अच्छी तरह से पक चुका है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। हम ज़्यादा खाते हैं तीखा, अब थोड़ा और ज़्यादा ऐड करिएगा। इसे अच्छी तरह से भून लेंगे और इसके अंदर हमने जो घोल बनाया था कॉर्नफ्लोर का, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा पानी डालकर, तो उसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे थोड़ा सा पानी डालकर। तो हमारी सॉस रेडी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर फ्लावर मंचूरियन के पीसेस डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे। तो हमारा फ्लावर मंचूरियन रेडी हो चुका है। अब हम इसे आपको सर्व करके बताएंगे। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।